मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर सेवा केंद्र के द्वारा विधायिका अनीता बधेल के निवास पर राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बिकाशा ने कराई ओम की ध्वनि। बीके रूपा ने पूरी दुनिया में अमन और चैन के लिए राजयोग को बताया जरूरी। विधायिका अनीता बधेल ने कहा कि मैं धन्य हो गई जो इतनी सारी बहनों ने हमारे ऑफिस में राजयोग कर पूरे वातावरण में सुख शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल के नीलबर्ड सेवा केंद्र के द्वारा मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय के सामने बाल उद्यान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। बीके पूनम, बीके मिताली, बीके विनीता सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। तन स्वस्थ और मन को आनंदित रखने के लिए राजयोग को बताया जरूरी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नीलबर्ड सेवा केंद्र के द्वारा जीवन श्री अस्पताल में योग एवं ध्यान अभ्यास का कार्यक्रम। बीके डॉक्टर दिव्यानी ने शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी खिंचवाया ध्यान। बीके सोनम ने राजयोग के द्वारा कराई शांति की गहन अनुभूति। ब्रह्म कुमारीज आर्ट गैलरी म्यूजियम आगरा के द्वारा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद स्तरीय समिति बैठक में स्वयंसेवी संस्थाओं और ब्रह्म कुमारीज को किया गया आमंत्रित। यूपी के शिशु विकास और पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य मुख्य रूप से उपस्थित। बीके मधु और बीके संगीता ने सीडीओ से जनपद स्तरीय समिति बैठक में की मुलाकात। सभी ने किया योगाभ्यास। कोलकाता में सीआईएसएफ पर्सोनल के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम। असिस्टेंट कमांडेंट पवन कुमार, इंस्पेक्टर दिव्येंदु समेत 150 पर्सोनल ने लिया इवेंट में हिस्सा। बीके मोनिश और बीके मोमिता ने ओम की ध्वनि के बाद कराया योगाभ्यास। पटना सिटी के पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्यक्रम। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, बीके गीता ने दी सुंदर प्रेरणाएं। राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के स्मरण द्वारा समय को सफल करने का किया आह्वान। श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में अधीक्षक दलजीत सिंह ने बीके सदस्यों का किया सम्मान। जोधपुर के नांदड़ी गांव में ब्रह्म कुमारीज द्वारा 5 दिवसीय समर कैंप। मूल्यों की शिक्षा देने के साथ ही कई प्रकार के खेलों का आयोजन। मोबाइल से होने वाले नुकसानों से कराया अवगत। नांदड़ी के सरपंच जितेंद्र ने बच्चों को किया पुरस्कृत। असम के शिवसागर सेवा केंद्र के द्वारा सरेला ब्रह्म कुमारीज पाठशाला में आयोजन। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने राजयोग का जीवन में बताया महत्व। कर्मेंद्रियों पर संयम रख हर कर्म में कुशलता पाने का दिया संदेश। इसी तरह शिवसागर में सरेकापाल हाईस्कूल के बच्चों को बीके भगवान ने वर्तमान परीक्षाओं में पास होने के दिए टिप्स। मूल्यों का भी जीवन में बताया महत्व। प्राचार्य कीर्ति बर ठाकुर ने कार्यक्रम को सराहा। अजमेर के द्वारका नगर सेवा केंद्र के द्वारा भगत सिंह गार्डन वैशाली नगर में योग राजयोग का सुंदर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा और बीके ज्योति ने म्यूजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति लाई जागृति। योगाचार्य पीताम्बर ने प्राणायाम व यौगिक क्रियाएं कराई। अध्यक्ष एन के माथुर ने बीके सदस्यों का किया सम्मान। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 सेवा केंद्र के द्वारा 5 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया। बीके कमल, बीके श्रुति समेत अनेक सदस्यों ने लिया हिस्सा। विधायक महेंद्र गोयल ने किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोगों ने जाने नशे से मुक्त होने के उपाय। पुणे के पिंपरी सेवा केंद्र के द्वारा पर्यावरण दिवस पर आयोजन। अलग अलग स्थानों पर लगाए गए पौधे। टाटा पंच कंपनी के कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। बीके सुरेखा, येलवाड़ी ग्राम के सरपंच रणजीत गाड़े ने प्रकृति से प्रेम करने का किया आह्वान। पन्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने नवनिर्वाचित सांसद विष्णु दत्त शर्मा से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश डबरा के जवाहरगंज सेवा केंद्र पर मूल शिक्षा प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह। उच्च श्रेणी से परीक्षा में पास होने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित।
डॉक्टर स्वाति जैन, कांग्रेस पार्टी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष अर्चना बंसल ने बच्चों को मेडल पहना कर किया सम्मानित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने बच्चों को अनुशासन में रहने की दी शिक्षा। टुंडला के रामनगर सेवा केंद्र पर समर कैंप का आयोजन। दिल्ली समयपुर सेवा केंद्र से आई बीके रूपा ने बच्चों को योगा, मेडिटेशन, व्यक्तित्व विकास, मूल्य आधारित गतिविधियां कराई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय बीके तनु के निर्देशन में संपन्न। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।